भारत में अनेक राज्यों में लंपी स्किन डिजीज महामारी गौवंश के अंदर फैली है। जिस प्रकार कोरोना महामारी फैली थी मनुष्यों में, ठीक उसी प्रकार की यह महामारी गौवंश के अंदर आई है। अधिकतर वैसे भैंस, कुत्ता, हिरण, नीलगाय, इनमें भी कुछ देखने को पाई है। लंपी स्किन डिजीज ये बीमारी, ये महामारी पहली बार आई है। समस्त गौशालाओं की गौवंश संकट में है, लावर इस गौवंश संकट में है। भरपूर कोशिश करने के बाद में भी वे कंट्रोल नहीं हो रही है। सरकार भी प्रयास कर रही है, समाज सेवी संगठन अपने अपने स्तर पर लंपी स्किन डिजीज महामारी पर कार्य कर रहे हैं। पावन पुनीत, मैं समस्त देशवासियों को ये सूचना देता हूँ, समाज सेवी संगठनों को, गौशालाओं को, घरेलू लोगों को, लंपी स्किन डिजीज के गौवंश कोई भी गौशाला नहीं लेती है। हो सकता है शायद 100 में से कोई एक दो गौशाला ले सकती है, गौ चिकित्सालय हो, बाकी खुद स्वयं गौशालाएं परेशान हैं। लेकिन विश्व स्तरीय गौ चिकित्सालय नागौर और जोधपुर, दुनिया की कोई भी बीमारी हो, चाहे लंपी स्किन डिजीज हो, चाहे विभिन्न प्रकार की घायल एक्सीडेंट, विभिन्न प्रकार की कैंसर हर्निया बीमारी हो, पीड़ित गौवंश के लिए 24 घंटे दरवाजे खुले रहेंगे। ये लंपी स्किन डिजीज के इलाज हो रहा है, यानी विश्व स्तरीय गौ चिकित्सालय नागौर और विश्व स्तरीय गौ चिकित्सालय जोधपुर के अंदर लंपी स्किन डिजीज के अस्थायी शिविर लगाए गए हैं। हमारे पास में रोजाना के 40 से 60 के बीच में लंपी स्किन डिजीज के पीड़ित गौवंश आ रहे हैं, पीड़ा से कराते हुए। और उसके अलावा 40-50 गौवंश दुर्घटनाग्रस्त और अन्य बीमारियों से ग्रसित गौवंश आ रहा है। करीब वर्तमान स्थिति के अंदर 100 के आसपास नागौर और जोधपुर बीमार गौवंश आ रहे हैं, लेकिन केवल 100 से अधिक लंपी स्किन डिजीज गौवंश आएंगे। समाज सेवी संगठन, गौ भक्त, गौशालाएं, घरेलू व्यक्ति अपनी गाय अगर बीमार लेकर के आएंगे, 24 घंटे दरवाजे खुले रहेंगे और गायों की सेवा में तत्पर रहेंगे। 3 पारियों में काम हो रहा है। अधिक से अधिक इस लाइव प्रसारण को आगे बढ़ाएं। आपके एक इस लिंक को आगे भेजने से हो सकता है एक गौवंश की रक्षा हो जाए। विश्व स्तरीय गौ चिकित्सालय के जो दानदाता है और दान पात्र सदस्यों को गर्व होगा कि आपका जो सहयोग है, उस सहयोग के द्वारा विश्व स्तरीय गौ चिकित्सालय चट्टान की भांति गौ सेवा में अडिग है, उसके दरवाजे खुले हैं। हर कोई गौशालाएं ऐसी बीमार गौवंश को, लंपी स्किन डिजीज को लेने से घबरा रही है, लेकिन हमने डॉक्टरों की टीम को बढ़ा दिया है। अरावली वेटरनरी कॉलेज से 25 डॉक्टर बुलवाए हैं जो अपनी सेवा दे रहे हैं। कंपाउंडरों की संख्या बढ़ा दी गई है। रात्रिकालीन प्रथम पारी, द्वितीय पारी, दिन की पारी, 3-3 पारी के अंदर डॉक्टर और कंपाउंडर गौ सेवक इन बीमार गौवंश की सेवा कर रहे हैं। ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि इस महामारी के दौरान, इस संकट की घड़ी के अंदर विश्व स्तरीय गौ चिकित्सालय अपना काम करेगा और बखूबी करेगा। शिविर के अंदर पूरी तरह साफ सफाई, छिड़काव, स्प्रे हो रहे हैं, डॉक्टर लगे हुए हैं। इसलिए इस लाइव प्रसारण को गौ हितार्थ, गौ रक्षार्थ आगे से आगे भेजें, ताकि जिन गांवों के अंदर युवा तन से, मन से, धन से लंपी स्किन डिजीज की सेवा कर रहे हैं, उनको मेरा कहना है आप केवल लेकर के आ जाएं, निःशुल्क लिया जाएगा लंपी स्किन डिजीज बीमारी का गौवंश
और एक वापिस आपको नहीं दिया जाएगा। तो मेरा ये निवेदन है आप लोगों से, जितनी भी मातृशक्ति बैठी हैं, जितने भी पुरुष वर्ग बैठे हैं, जितने भी समाज सेवी संगठन सुन रहे हैं, देश के युवा सुन रहे हैं, कि आप जो लंपी स्किन डिजीज बीमार गायों की जो सेवा कर रहे हैं, साक्षात आपका गोलोक के अंदर, वैकुंठ लोक के अंदर आपने जगह बना ली है, इतना पावन पुण्य कार्य किया है। जय गौ माता, जय गोपाल।